त्रिपुरा में एक केस सामने आया है जहां पर 47 लोगों का डेथ हुआ है अब की एचआईवी के कारण यानी एड्स के कारण, और 800 से भी ज्यादा लोग इससे इन्फेक्टेड है अब की एचआईवी वायरस से। एचआईवी वायरस एक इतना डेंजरस वायरस है जिसकी इन्फेक्शन को रोकने के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। एड्स क्या है, एचआईवी क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एचआईवी एक इतना डेंजरस वायरस है जो किसी को भी अगर इन्फेक्ट कर लिया तो उस इंसान का मौत निश्चित है। तो इसके बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एड्स एक डिजीज है जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये डिजीज यानी ये रोग जिस वायरस की वजह से होता है वो है एचआईवी, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये कैसे स्प्रेड होता है, देखो ये ऐसा डायरेक्टली स्प्रेड नहीं होता, अगर आप अपने खून किसी और को देते हो और आप इन्फेक्टेड है ऑलरेडी इस वायरस से तो वो वायरस दूसरे इंसान के शरीर में भी जा सकता है। अगर डॉक्टर आपको कोई भी सुई लगाया है और आप इन्फेक्टेड है ऑलरेडी एचआईवी वायरस से और वही सुई किसी और को भी लगाया जाता है तो वो इंसान भी आपका इन्फेक्टेड होगा एचआईवी वायरस से। और थर्ड नंबर जो है वो ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से 90% ऑफ द केस, मतलब कह सकते हो कि एचआईवी वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता है, वो होता है सेक्स, यानी एक फीमेल और मेल में जो भी इंटरकोर्स होता है उस दौरान ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में जाता है। देखो जो भी ब्लड का मैंने कहा है, ऐसे ही किसी का ब्लड किसी और को नहीं दिया जाता, इसका पूरा का पूरा एक रूल होता है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद उसमें ब्लड का पूरा चेकअप होता है तो हमें पता चल जाता है कि वो इंसान में एचआईवी है या फिर नहीं है या फिर कोई भी और डिजीज है या फिर नहीं है, ये चेकअप हो जाता है। तो ब्लड शेयरिंग के लिए तो देखो ये बहुत ही रेयर केस होता है कि एचआईवी स्प्रेड होता है। और सेकंड वाला जो रीजन मैंने कहा था कि सुई के कारण, देखो एक सुई जिसमें यूज होता है जिस इंसान में, वो सुई दूसरे इंसान में यूज नहीं होता, जनरली तो नहीं होता क्योंकि ये सरकार भी अलाउ नहीं करता, ये एक क्राइम कह सकते हो। अगर एक सुई किसी एक इंसान को दिया जाता है और वही सुई दूसरा टाइम किसी और इंसान के टाइम अगर यूज किया जाता है तो वैसा नहीं होता। देखो थर्ड मैंने जो कहा था उसमें सबसे ज्यादा केसेस देखा जाता है, क्योंकि ये एक जो मैंने इंटरकोर्स के बारे में कहा था, ठीक है, ये आपको पता है क्योंकि इसमें कोई तो ऐसा चेकअप नहीं होता पहले, सो दैट्स व्हाई। एंड ये त्रिपुरा में आपका 47 लोगों का डेथ हुआ है, ऐसे ही अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है, मतलब एचआईवी वायरस किसी को भी एक बार छू जाता है ना, तो वो इंसान पक्का कह सकते हो कि उसका कोई इलाज नहीं है, अभी तक तो नहीं है, ठीक है, आगे क्या होगा वो अलग बात है। बट ये केसेस सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में देखा जाता है, नागालैंड, मिजोरम जो भी स्टेट्स है, और त्रिपुरा में भी है। तो देखो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि संख्या में सबसे ज्यादा है, परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, जो पॉपुलेशन है उसके परसेंटेज के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है, वरना तमिलनाडु में भी, आंध्र प्रदेश में भी बहुत से केसेस ऐसे आते हैं। और जो डाटा मैंने आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर किया है वो डाटा पूरा 17 साल का डाटा है। तो आप सभी को बस यही कहना था इस वीडियो के थ्रू कि ये जो केसेस है, ये जो वायरस है वो कितना ज्यादा डेंजरस है। ये वीडियो बनाने का एक ही मतलब था कि इस टॉपिक को लेके इसके बारे में आप सब जानकारी आप सभी के पास हो एंड आप सभी इस बारे में सतर्क रहे। तो गाइस इस टॉपिक को बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल ने कवर किया गया है एंड फिर भी मैं आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर किया। एंड मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।